हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आपको हमारे देसी रसोई बिहारी में स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ एक नया रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ घर पे दही वड़ा। यह दही वड़ा बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सुंदर और बिल्कुल ही आपको बाजार जैसा मिलेगा, जैसे आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह से आपको बनाना है। बहुत ही जल्दी बनने वाला है। यहाँ पर मैंने बराबर में एक कप मूंग दाल और एक कप उड़द दाल ली हूँ। बहुत लोग जो है सो सिर्फ उड़द दाल से ही बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे आज मूंग दाल और उड़द दाल दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ और देखती हूँ इसका टेस्ट किस तरह का आता है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये फूली फूली सी बनती है और बहुत ही सुंदर बनती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ को ले ली हूँ और इसमें मैंने थोड़ी सी जो है दो चार टुकड़े अदरक का और थोड़ी सी पानी डाल के इससे इसका जो है सो पेस्ट बना लेती हूँ। अब पेस्ट बना ली हूँ, देख रहे हैं। और पेस्ट बनाने के बाद आपको जो है इसमें एक बाउल में निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने एक बाउल में निकाले, तो मैंने थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ी सी जो है सो हरी मिर्ची को बारीक कट कर ली हूँ। इसे एक बाउल में निकालने के बाद जिसमें मैं इसमें थोड़ी सी जो है सो हींग, थोड़ी सी नमक और जो मैंने हरी मिर्च और धनिया पत्ता कट की थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे इसे आपको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा हल्का सा दरदरा ही मोटा ही पीस लेना है। तो इसका देखिएगा आपको बहुत ही अच्छा ये दही वड़ा बन के तैयार होगा। अब जाकर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। आपको इसे फेंटना बहुत ज़रूरी है, आपको 2 से 4 मिनट तक फेंटना होगा, तभी जाके सुंदर। ना ही आपको इसमें इनो डालना है, ना ही आपको इसमें सोडा डालना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसे फेंट के अच्छे से ढक के रख देती हूँ 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तब जाके मैंने यहाँ पर एक जो है सो बाउल में पानी और थोड़ी सी नमक डाल के और साइड में रख दी हूँ। उसके बाद जो है सो मैं यहाँ पर इसे देखिए हटा ली हूँ, हटा के 2 मिनट और फेंट देती हूँ। और फेंटने के बाद जो है इसमें अब चलती हूँ इसे फ्राई करने की तरफ। तो गैस पर मैंने रख दी हूँ कढ़ाई। कढ़ाई मैंने थोड़ी सी सरसों तेल डाली हूँ, तेल को थोड़ा गर्म होने देना है। उसके बाद आपको छोटे छोटे आकार में जो है सो ये बड़ी बना लेना है। यहाँ पे मैं देखने किस तरह से ये बड़ी बना रही हूँ, इसी तरह से आपको सारे बड़ी को बनाना है। हल्का सा आपको जो है सो गैस का फ्लेम धीमी कर देना है और इसे अच्छे से पकने देना, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। अब जाके मैं इसे अच्छे निकाल लेती हूँ किसी भी बर्तन में। और निकालने के बाद देखिए यहाँ पर मैं जाली में निकाल रही हूँ, थोड़ा सा तेल इसका निकल गया। जो मैंने पानी नमक मिला के रखी थी उसमें आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ। तो देखिए चटनी मैंने इमली को अच्छे से ग्राइंड कर ली थी, इसका बीज निकाल के। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी जो है गर्म मसाला, थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के इसे अच्छे से चटनी बना लेती हूँ। देखिए इसे 2 मिनट तक पकाना है। अब देखिए थोड़ा सा इसका जो है सो फिर गाढ़ा हो गया। तो अब हम इसको गैस बंद कर देते हैं। साइड में एक बाउल में मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो मेरी चटनी भी बनके तैयार हो गया, खट्टी मीठी। अब जाके मैं यहाँ पे हरी धनिया, लहसुन, पुदीना, थोड़ी सी अदरक और 2 हरी मिर्च डाल के ये जो है सो हरी धनिया की चटनी बना लेती हूँ। अगर आपको पुदीना पसंद है दीजिए, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए। तो चलिए अब जाके मैं इसे भी धनिया भी पीस ली हूँ और देखिए मेरा धनिया बनके तैयार हो गया चटनी धनिया का। अब जाके जो मैंने पानी में बड़ी डाले थे उस बड़े को हमें जो है अच्छे से पानी इसका निचोड़ देना है। तो मैंने पानी को निचोड़ दी हूँ और अब मैं एक बाउल में ली हूँ दही और दही में थोड़ी सी पानी, थोड़ी सी चीनी डाल के अच्छे से इसको फेंट देना है। फेंटने के बाद आपको ये होगा ये बहुत देखने में सुंदर और अच्छा सा लगेगा। मैंने यहाँ पर दही को जो है अच्छे से फेंट दी हूँ। फेंटने के बाद जो है अब क्या करती हूँ, मैंने जो पानी निचोड़ के बड़ा रखी थी उस बड़ा को हमें इस दही में ऐड कर देना है। देखिए इस तरह से मैंने मिला दी हूँ और मिलाने के बाद आप इसे प्लेट में जो है इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसे मिलाने के बाद एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो प्लेट में आपको जितना आपको डालना है उतना आप एक एक करके दो दो करके निकाल लीजिए। तो देखिए मैं एक बाउल में यहाँ पर 3 से 4 जो है सो दही वड़ा डाल दी हूँ और एक प्लेट में और निकाल ली हूँ सर्व करने के लिए। उसके ऊपर से आपको दही इस पर डाल देना, जो दही है उसमें वो भी इसे डाल दीजिए। ज़्यादा दही देने से जो है थोड़ा सा टेस्टी लगता है। उसके बाद इसके ऊपर आपको थोड़ी सी हरा धनिया चटनी डालना है। उसके बाद आपको इसमें खट्टी मीठी चटनी डाल देनी है। तो मैंने यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी भी डाल दी हूँ। उसके बाद आपको हल्का सा काला नमक डाल देना है। उसके बाद आपको थोड़ी सी भुनी हुई जीरा पाउडर डाल देना है। और उसके बाद जो है सो आपको इसमें थोड़ी सी चाट मसाला डाल देना है। देखिए आपको कितना सुंदर टेस्टी दही वड़ा लगेगा, जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये दही वड़ा किस तरह से बना है, इसका टेस्ट कैसा लग रहा है। और अगर आप लोगों ने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल आइकन बटन उसे प्रेस कर दीजिए, ऑल दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।